आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए आप कौन से रत्न का प्रयोग करें। पंडित जी, बहुत सारे लोग मेडिकल के प्रोफेशन में होते हैं, डॉक्टर होते हैं, तो उनके लिए कौन सा रत्न अनुकूल होता है जिसका प्रयोग करें तो उन्हें लाभ हो? प्रवीण जी, एक तरीका तो ये है कि आप कुंडली दिखा करके रत्न पहन लें। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने प्रोफेशन को समझ करके रत्न पहने, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रोफेशन को कैसे बढ़िया बनाएंगे। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं, आप डॉक्टर हैं, तो कौन सा रत्न आप धारण करें जिससे आपका प्रोफेशन बेहतर हो, आपको सफलता मिले। सूर्य, चंद्रमा और शुक्र मुख्यतः डॉक्टरी से संबंध रखने वाले ग्रह माने जाते हैं। राहु की भूमिका भी होती है, लेकिन ज्यादातर राहु जो है वो मेडिसिन मैन्युफैक्चर करता है। सूर्य, चंद्र, शुक्र मेडिकल के सबसे बड़े प्लेनेट हैं। इनके साथ अगर मंगल का संबंध हो जाए तो आदमी सर्जन बनता है, सर्जरी करता है। बुध का संबंध हो जाए तो आदमी फिजिशियन बनता है, डायग्नोसिस करता है। सर्जन के लिए माणिक्य या मूंगा पहनना लाभकारी होता है और फिजिशियन के लिए पन्ना पहनना ज्यादा लाभदायक होता है। अन्य दशाओं में डॉक्टरों को सलाह लेकर के मोती पहननी चाहिए। वैसे मोटे तौर पे मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं कहूंगा कि पीला पुखराज और मोती सामान्यतः डॉक्टर्स को सूट करता है। ये कॉम्बिनेशन 90% के साथ पीला पुखराज और मोती चलेगा, 10% डॉक्टर्स के साथ पन्ना पहनने से उन्हें फायदा होता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रोफेशन की तरक्की में रत्न कितना योगदान करते हैं। पंडित जी, बहुत सारे लोग इंजीनियर होते हैं, डॉक्टरों के लिए तो आपने बड़ी अच्छी सलाह बता दी, जो लोग इंजीनियर हैं उन्हें कौन सा रत्न सूट करता है, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? अब जो लोग इंजीनियर हैं प्रवीण जी, शास्त्र कहता है कि उनकी कुंडली में पाप ग्रह बलवान होते हैं, मंगल बलवान होता है, शनि, राहु, केतु, क्योंकि यही ग्रह हैं जो टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करवाते हैं। तो अगर आप इंजीनियर हैं तो आपके टेक्निकल ग्रह मजबूत होंगे, तो टेक्निकल ग्रहों का रत्न ही आपको पहनना पड़ेगा। बुध, शनि, मंगल और राहु ये व्यक्ति को टेक्निकल एजुकेशन दिलवाते हैं। अगर इसमें मंगल लीड कर गया तो आप सिविल इंजीनियर बनेंगे, बिल्डिंग बनवाएंगे, कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, और इसके लिए मूंगा या नीलम पहनना लाभकारी होगा। अगर आप कंप्यूटर से संबंध रखते हैं, राहु केतु या शुक्र, तो गोमेद पहनना लाभकारी होगा। बाकी आप कोई भी इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, टेलीकम्युनिकेशन के हो, स्पेस इंजीनियर हो, कैसे भी इंजीनियर हो, नीलम और पन्ना आपको सलाह लेकर के पहनना चाहिए। नीलम पन्ना नॉर्मली इंजीनियर्स को सूट कर जाता है, और अगर नीलम पन्ना सूट नहीं कर रहा है तब आप सलाह लेकर के मूंगा या माणिक्य पहन सकते हैं, उससे आपको फायदा जरूर हो जाएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।